गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं उठ चुकी हूँ और नहा भी चुकी हूँ, और जैसे कि आज फर्स्ट नवरात्रा है तो ये देखिए मैंने किया है माता रानी का श्रृंगार। और फ्रेंड्स साथ में ही मैंने ये पूजा की थाली लगा ली है, तो ये मैंने मेवा लिए हैं, ये फल लिया है, और ये देखिए ये मिश्री, सुपारी, लौंग, ये रोली, ये कपूर। और जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि पान जो है वो मेरे घर में मैंने पौधा लगाया हुआ है, तो वहाँ से मैंने पान के पत्ते ले लिए हैं। और ये है माता रानी का इत्र, और ये थोड़ी सी दक्षिणा, और ये है माता रानी की माला। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं पूजा। तो ये देखिए मैंने खेतरी कर ली, और ये लगा लिया है मैं नारियल। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए, तो ये मेरी हो गई है करसी की जोत। तो चलिए अब कर लेते हैं पाठ। फ्रेंड जैसे कि आज मेरा अष्टमी का फास्ट है, और मैंने घर के लिए खाना बना दिया है, दाल रोटी बनाई है मैंने। और ये देखिए फ्रेंड्स मेरी गाजीपुर वाली सिस्टर ने सुबह सुबह, देखिए बिल्कुल सुबह सुबह बेचारी ने 9 बजे हमारे लिए चौलाई के लड्डू भेजे हैं। मैं वही सोच रही हूँ इस बार इतने बड़े वाले चलाई के लड्डू कैसे हैं। तो फ्रेंड्स ये मतलब इस टाइप के लड्डू मेरी मम्मी बनाती थी हर नवरात्रे पे और हमारे लिए भिजवाती थी। तो अब मेरी मम्मी नहीं है, तो ये बड़ी वाली सिस्टर के यहाँ मिलते हैं ये, मतलब ऐसे बन करके। तो उसमें स्पेशली हम लोग, आई डोंट नो कि फेमस है नहीं है, पर ये सेम बिल्कुल वैसी है जैसे मेरी मम्मी बनाती थी। तो आज व्रत में मैं ये खाऊंगी। तो मैंने अपने लिए दूध बॉयल कर लिया है, ये देखिए दूध के अंदर डाल के खाऊंगी मैं ये। चमत्कार हो चुका है दीक्षा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। 2 बज रहे हैं दीक्षा, 8 बजे नहाने शर्म कर कुछ। फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ, हार्ट मेरी वॉच हो गई है एकदम सही, होप सो सही हो गई हो, और साथ में बेडशीट की डिलीवरी देने जाना है कुहाट ही। तो जा रही हूँ मैं डिलीवरी देने, और साथ में मैंने लड्डू डाल दिया है, मैं इसके अंदर डालूंगी दूध। और इसके साथ ही मेरी सिस्टर ने लड्डू भेजे हैं, लेकिन ये देखिए ये तोड़े खातर नहीं आए से लड्डू, लड्डू जैसे हो रहे हो तो इतने बड़े बड़े लड्डू खा रहे हो, ये देखिए फ्रेंड्स लड्डू खान लाग रहे हैं अपने साइज के, बीबी के साइज के नहीं अपने साइज के, देखिए इतना पतला हूं मैं। ओहो तुम तो स्लिम ट्रिम हो। तो मेरे साइज के कहे तूने, अपने साइज के होते फिर अलग बात थी। तो फ्रेंड्स पैकेट एक बंद है और एक खुल चुका है, और मेरी सिस्टर ने आज नवरात्रि के दिन ही सुबह सुबह बिचारी ने भेजा है लड्डू। मम्मी वाला काम सिस्टर ने किया है, मम्मी हाथ से बना के देती थी, सिस्टर ने खरीद के भेजे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अभी दूध के अंदर मेल्ट होने लग गया है, जब मेरी मम्मी बनाती थी तब भी हम नवरात्रों में ऐसे ही खाते थे। मेरी मम्मी क्यों नहीं बनाती? तेरी मम्मी को नहीं आते ये बनाने। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल भूल चुका है, अब हम इसको खाएंगे। फ्रेंड बहुत ज्यादा टेस्टी है। गरम भी है। कैसा लगा मेरी सिस्टर ने भेजा लड्डू? तुम क्या करें? तुम कुछ मत करो, तुम्हारी सिस्टर भी कुछ पत्थर मारती हैं। मेरी सिस्टर कुछ ना बात, जैसे लोगों ने मुझे डिलीवरी गर्ल बना दी है, अब मैं जा रही हूँ डिलीवरी करने, 500 रुपए डिलीवरी के लिए। दीक्षा कोई भी काम को जा रही है, देखो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, डिलीवरी कर रही है तो क्या हो गया, अपना काम है। डिलीवरी गर्ल बना दी है। हाँ तो बस गर्ल छोटी होती है, काम छोटे नहीं होते। मम्मी आपके लिए कुछ लाना है बाहर से खाने पीने का? दीक्षा मेरा फास्ट है, नोनो आज तो मैं कुछ भी नहीं खा सकती। बाय डार्लिंग, बाय नोनो, सी यू। आज अम्मा नहीं है, आज अम्मा को ग्लूकोज चढ़ रही है हॉस्पिटल में। और ये देखो मेरी दादी के काम बॉटल देखो कैसे सुखाई है यहाँ पे। फ्रेंड्स जिन भी लोगों के घर में बड़े बूढ़े वो लोग इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। चलो फटाफट से जाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। बेडशीट की डिलीवरी मैंने दे दी, और बहुत ही अच्छा लगा रुचि मैम से मिलके, शी वॉज वेरी हम्बल एंड वेरी काइंड।
और अब मैं आ गई हूँ अपनी वॉच के लिए, और यहाँ पर मैं आ रही हूँ पता नहीं कितनी काउंट ही नहीं है उस चीज़ का। तो चलो देखते हैं वॉच सही हुई या नहीं हुई। वॉच आ गई है और इस बार पूरा इन्होंने मूवमेंट चेंज किया है, यानी कि अंदर की मशीन पूरी चेंज करी है। एंड मैंने इन लोगों को बोला था कि 24 आवर्स या एटलीस्ट कुछ घंटे आप लोग अपने पास रखना, क्योंकि मेरी ना लास्ट टाइम भी 1 आवर में ही ख़राब हो गई थी। तो अब इन्होंने 24 आवर्स अपने पास रखी। इन्होंने बोला कि मैम हमारे पास कल आ गई थी तो हमने अपने पास रखी, और अब एकदम परफेक्ट चल रही है, आप देख सकते हो। और ये मेरा वारंटी कार्ड वगैरह उन्होंने दे दिया है मुझे। तो चलो अब देखते हैं, बस होप सो ये ख़राब ना हो। कि 15वीं चाय प्रिया एंड मम्मी की, आज इन लोगों का फास्ट है तो 15th चाय बन रही है आज घर में। और मेरी वॉच ये देखिए, 15th चाय लास्ट में और पहले में यही बोला है कि तुम लोगों की 15th चाय है, 15th चाय है, 15th। पागल हो गई है, झूठ नहीं, यस। फास्ट स्टार्ट होने से पहले से चाय पी रहे हो तुम लोग, वेरी गुड। तूने फास्ट नहीं रखा तो झूठ बोल रही है फिर भी तू। मैंने फास्ट नहीं रखा, तू नहीं, हाँ। तू ये बोलना चाहती थी ना कि दीक्षा शर्म कर फास्ट रखे और तब भी झूठ बोल रही। बताओ ये कप में चाय किस खुशी में आपने ये छोड़ी है? दीक्षा फोन पे कोऑर्डिनेट कर रही है, बस कोऑर्डिनेट के चक्कर में परेशान कर रखा है सुबह से। अरे मलाई जम गई उस चाय में, मलाई कैसे पीऊं? खा जाओ मलाई करके। पता है कितनी मेहनत से बनती है चाय, छोड़ दी। तू तो बहुत बड़ी हो गई मेहनत को, माँ ने 5 पड़ोस मेरे पोटे छोटे धो धो के तुम्हें इतना बड़ा कर दिया खिला पिला के। माँ की कोई वैल्यू नहीं है, एक चाय बना के अगर माँ को पिला दी उसमें 10 बात सुना दी। माँ की वैल्यू है इसलिए माँ को सुपरस्टार बना रहे हैं। हाँ जी, तो अभी तक माँ को पैरों पर तो खड़ा नहीं करा तुमने, सुपरस्टार। रुको एक गाना ना मेरे सैया सुपरस्टार है से मेरी मम्मी फ्रेंड्स। रुको अभी जरा स्वीट मांग, उनके पैरों पे खड़े करके आती हूँ मैं जरा। मम्मी खड़े हो पैरों पे, खड़े हो तो गई पैरों पे, ये ऐसे पैरों पे खड़े करते हैं फ्रेंड्स। चाटा बड़ा सब्सक्राइबर तो तुम्हारे चैनल पे बढ़ नहीं रहे हैं, मैं क्या पैरों पे खड़ी होंगी? बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। स्वीट मॉम को बोलने का आई एम विद यू गाइस। ये नायका से सारी बेडशीट लगवाई थी, और ये मेरे से लगवाई थी पर मैंने चाची को बोला था गिर जाएंगी, चाची कह रही नहीं तू लगा नहीं गिरेंगी, और गिर गई। अब बता बहन, मैंने चाची को बोला था कि चाची मत लगा। ऊपर वालों चलो मुझे लग रहा है कि तेरे पिटरी क्या सारे हो। फ्रेंड्स मेरे को हंसी बहुत ज्यादा आ रही है, तेरे को हंसी बहुत आती है। अभी जब डांस क्लास स्टार्ट होगी ना तब देखूंगी, डंडे पड़ेंगे, डंडे मारेगी जब तान्या। क्या तकिया लगाया आपने? शर्म तो आती नहीं, मैं चादरें ढो रही हूँ, खुद यहाँ पड़ी हुई है खाट में। किसका काम है ये बिजनेस? तू मुझे पैरों पर स्टैंड करो, तुम्हारा बिजनेस है। चाची दीक्षा को एक और खाने की नीड है, बहुत जरूरत है इसको। खड़ी हो, चादर रखवाइए, मेंटल पड़ गई। फ्रेंड्स कल रात को 3 बजे सोई हूँ, सारी गोयल एंटरप्राइजेस की वीडियो शेड्यूल करके, शूट करके, फोटोज डिजाइन करके। हाँ हाँ, वीडियो किसने बनवाई है? गला खराब में, नाक जुकाम में भी मैंने बोला है कि हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल गोयल एंटरप्राइजेस। आंखों के चश्मे का इतना हाई नंबर होते हुए भी सारी वीडियो एडिट करती हूँ 3 बजे तक। गला खराब होते हुए गला फाड़ फाड़ के गोयल एंटरप्राइजेस, गोयल एंटरप्राइजेस करती हूँ। दवाई खाओ, दवाई व्रत है मेरा, मैं दवाई नहीं खा सकती। एक काम कर, वो चाय ठंडी हो गई थी, एक कप और बना दे। एक बार बोलूं, ये कोई लॉजिक नहीं होता, व्रत है मेरे तो दवाई नहीं खा सकती, इंसान ऊपर पहुंच जाए दवाई नहीं खा सकती। आप भी ज्यादा प्रिया भैमण मत बनो। टीचर जी आई है, मैं अम्मा का पता करने आई हूँ। और रहने दे, तू यहाँ से जा रही थी फ्रेंड्स गली में से, कहती जल्दी 2 मिनट के लिए बस बालकनी में आ जा। मैंने कहा बालकनी में क्या, मैं नीचे आ जाती हूँ। तू रहने दे, मैं अम्मा का पता करने आई हूँ, अम्मा की इतनी जल्दी तबीयत खराब है, तूने मुझे बताया भी नहीं। ओह माय, मेरी तबीयत खराब है, जा लेके आ कुछ ना कुछ। अम्मा के लिए मैं इसमें फ्रूट्स लेके आई हूँ। हाँ दिखाइए जरा, झूठी। फ्रेंड्स अब 10th से, मोस्ट प्रोबेबली 10th से हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे और मजा आएगा, थोड़ा डंडे शंडे पड़ेंगे। हाँ मुझे डंडा भी तो रेडी करना है, स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे भाई, डंडा तो मस्त है मेरे मजे आएंगे मजे। तो फ्रेंड्स इसकी डांस एकेडमी है, अभी नहीं बताऊंगी कहाँ है, पहले एक बार थोड़ा सा और स्टेबल होने दो। हाँ। फिर कहोगे तो उसका नंबर भी दे दूंगी।
अपने बच्चों बच्चों को कराना हो, लेडीज को करना हो, वेडिंग कॉलेज जेंट्स लोग नॉट अलाउड, बॉयज लोग नॉट अलाउड, बट किड्स आर अलाउड. हाँ, वेडिंग कोरियोग्राफीज वगैरह सब अलाउड है. अम्मा बुला रही है. हाँ हाँ टीचर जी, दीक्षा की ये बताओ, हिटलर मैं हूँ या ये दीक्षा है हिटलर? मैं हूँ. जिंदगी में पहली बार किसी ने बोला है. पापा थोड़े बाद में बने ना, पहले तो फ्रेंड बनी है. वो तो स्टूडेंट है और स्टूडेंट डंडा लेके पीछे भागती थी जब, तो उसमें मजा नहीं थी. मजा कितना आता था सोचो, टीचर के पीछे स्टूडेंट भाग रही है डंडा लेके. कोई बात नहीं, मैं स्टूडेंट डबल मारती थी, आपको ये तो नहीं पता. अब हमारी 10 से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, अब और डबल पढ़ने वाले हैं. बड़ा डंडा लेके जालिम वाइफ की भी कोई ओपिनियन ले लो. मम्मी को भी पढ़ेंगे डंडे. है बहन दादने आंटी कर लेती है, स्टूडेंट है. आंटी डांस कर लेती है, तेरे का नलायक आंटी. पता है स्टूडेंट है, चाहे कोई भी है, जो डंडे पढ़ने ही पढ़ने होते बात है. जब इंसान कर लेगा क्यों डंडे पड़ेंगे, जो नहीं पढ़ेगा उसको पड़ेगी डंडे. और जिनके घर में तू डांस करेगी उनके यहाँ भूकंप आ गया तो वो क्या करेंगे, उनका फर्श वगैरह कैसे रिपेयर? वो उसने एकेडमी मजबूत करा रखी है अपनी, हमारे जैसों की करा रखी है. टाइले वगैरह देख लेना, मैं बिल पे नहीं करूंगा. मेरी तरह और भी आती है उसकी एकेडमी में, अकेली नहीं हूँ. नहीं मैं बिल पे नहीं करूंगा, टाइले वगैरह. बेचारी क्या अकेडमी बंद मत करवा देना यार तुम. तो कुछ नहीं होगा, मैं अगर हो गया हो गया तो मेरे पे बिल मत मारना. ये कूद रहे घूमने के लिए पे ऐसे ऐसे ऐसे. कहीं ये हाथ ऐसे दीवार पे लग गया तो दीवार गई. कुछ नहीं होगा, पहले मैंने सिखा रखा है. ऊपर लगा तो पंखा गया. ये मेरे को सेंटर में खड़ी करेगी ना, इधर डिगार्ड रखूंगी ना उधर डिगार्ड. जो मैं गैठी हूँ तो मेरा छत तक तो आ जाएगा ही. जो ट्रेन में हाथ बाहर निकाल के दूसरे इंजन को गिरा सकती है वो दीवार और छत. तभी तो इंजन गिरा देती है सामने से आ रहे हैं. अरे जहाँ गिराती है ना, जहाँ गिराती है वहाँ विलेज है, ये विलेज की है, वहाँ पे रहती है, वहाँ पे इंजन गिराते, न्यूज में नहीं आता. धन्यवाद भाई. हिटलर टेडी से कोई नहीं जीत सकता. दो पैकेट लाने हैं इसके. क्या है ये, वर्त का है ये? कहाँ से मिलेंगे इसके दो पैकेट? ये चार पोस्ट का मिलेंगे. दो दर्जन की आवाज. अच्छा, किस सब का था? अभी ला रही हूँ. किस सब का नहीं था? अभी ला के दूँ? लाइट स्नैक्स. ये लंबे लंबे हुए हैं? हाँ, देख के कितने के थे. अरे अम्मा कितने के तो छोड़ दो, वो तो मैं ले आऊंगी जितने के भी हैं. नहीं 40 रुपए लिखा है, मैं ले आती हूँ. 40 का ही? हाँ लिखा है, पता नहीं 35 का देता है या 40 का ही देगा, ये नहीं पता. ये ना मेरा पैसे मेरे थोड़े हैं. नहीं गलत बात. फ्रेंड्स अम्मा अपने पैसे हर चीज के जरूर देती है, उनको मना कर दो वो तब भी देती है. नहीं 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 नहीं. दो पैकेट लाने हैं, एक लाना है. एक लाना है, दो दो तीन खा लेंगे. और लिमका लिमका लानी है के ना लानी? चलो फिर मैं आ रही हूँ फिर लेके. ठीक है, ये रख लो आप पैकेट. ये मैंने देख लिया है कौन सा लाना है. नाम भूल गया. अरे नाम ना भूल लूं. फ्रेंड्स अम्मा थोड़ा पुराना जमाना समझ रही है. अरे अम्मा मैं ले आऊंगी. अम्मा वो कह रहे हैं कि 10 मिनट बाद मिलेगा, अभी नहीं है. 10 मिनट बाद मिलेगा. अभी पैसे यहीं धर लो. जो 10 मिनट बाद देंगे, अभी खत्म है. आ जाएंगे 10 मिनट? हाँ 10-15 मिनट में आएंगे. फ्रेंड देखिए कितने चालू है ये ऊपर वाले. मैंने कहा दो पकौड़ी मेरे को भी दे जाओ, तुमने व्रत रखा है माँ बेटी ने तो मैं अकेली के लिए क्या बनाऊंगी. तो नीचे ही आ गई है अब सबके लिए पकौड़ी बनाने के लिए. बताओ आलू मेरे, आटा मेरा, घी तेल रिफाइंड सब कुछ मेरा. अरे मैं शान पत्ती नहीं आती ना, मेरे को कहाँ से सीखूं? सीख, तूने कहा ऊपर वाले बना के दे दो.
ये आगे बना के देने वाले। चाची मैं इसलिए आई हूं, आटा घी तेल पानी सब कुछ बचा लिया अपना सब कुछ, और बहाना चाची मैं यहीं बना देती हूँ, तुम वीडियो बना लेना, जैसे हमारी वीडियो नहीं बनती इनके बिगर। बताओ, अरे सब देखना चाहते हैं मुझे चाचा वीडियो में। तुम्हारे मायके वाले जो ना करे सो थोड़ा है तो और किसी चीज में भी लेंगे, हमारा ये सामान क्यों खर्चा कर रहे हो? कमेरी, वो कहते हैं ना कमेरी। सुनो ये फॉर्मेलिटी है, सुनो मेरी बात, तुम्हारे पियर वाले जो ना करे सो थोड़ा है, और जो करे वो बहुत है। कितने चालू है, मैंने दो पकौड़ी क्या मांग ली, देखो झट नीचे आके उतर के बैठ गई है। इस पे आपके लिए ना कमेंट आएंगे, डेढ़ किलो ये देखिए, अब पता क्या आप अपने लिए ऊपर भी ले जाएंगे ये इसी में से, और मांग ले तू पकौड़ी, एक आलू काट के तू अपनी पकौड़ी बना लेती। मुझे क्या पता था, मैं तो एक आलू की अपनी पकौड़ी बना बुनू के कब की खा पी के लक्की होती। आप देख छह आलू छील दिए, ये ऊपर भी ले जाएंगे पकौड़ियाँ। जो मेरा 100 ग्राम देसी घी लगता भी है डेढ़ किलो लगाएगी। चाची मेरी बात तो मच्छर बोले नीचे, अम्मा कह रही है तू तो क्यों जा रही है, कैसे बैठू मैं, मच्छर खा गया मेरे को। अरे तो नीचे वो लगा देना यार, वो मेरे गले में लगा। अरे वो हमारे गले खराब है ना, वो धुआं लगता है, वो अम्मा जला लेती है कनस्तर में। तो वो अम्मा का पैकेट कौन ला के लेके आ रहा है? तुम लोग डिनर में क्या खाओगे? मेरा तो चलो ये बन रहा है, मैं सोच रही हूँ कि दाल रोटी खा लूँ सिंपल। देखिये सुबह दाल बनाई, मैं 60 दिन के दाल ही पकाती रहूँ। अरे मैं तो खाई नहीं दाल, घिया रोटी बना लो फिर। घिया भी नहीं है। ये क्या कर रही है यहाँ पे आज? बस ये मत पूछिए क्या कर रही है। इसको मैंने ये कहा कि तुम माँ बेटी ने दोनों ने व्रत रखा है, मैंने अकेली ने रखा है। मैंने कहा तुम पकौड़ी बना रही हो, हाँ। दो पकौड़ी नीचे दे जाओ, अभी मैं अकेली के लिए, बीमार आदमी, गला खराब, नाक जुकाम बुखार, हाँ। पेंट का काम करके चुकी हूँ, बेडशीट फैला के बैठी हूँ, मैं क्या कैसे क्या करूंगी। तो ये इतनी चतर झट नीचे आके धरी गई। चाची मैं नीचे ही बना देती हूँ, मतलब अपना घी तेल नमक तो पानी सब कुछ बचा लिया। मेरी बहन आपकी बहन तो बनाने भी ना आई, अपने लिए भी बना के ले जा रहे हैं ऊपर। हम अपने लिए नहीं ले जाएंगे पापा, आपके मायके वाले आप तो करो मत, वरना स्वीट बहुत हावी हो जाएंगी। हावी क्या हो जाएगी, मेरे मायके वालों का इनके मायके वालों का क्या मुकाबला है? करवा लो मुकाबला, कराओ फाइट। मायके वाले तो ना तो देवे और ना के बनावे, ये मुकाबला है, कम से कम बना तो रही है आगे। हाँ, ना देवे ना बनावे, तुम्हें तो शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। फ्रेंड्स अम्मा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आज अम्मा को ग्लूकोज चढ़वाया है, बट अम्मा बिल्कुल ढीली हो चुकी है और उनको लग रहा है बस बैठे रहो, इतना मच्छर इतना सब कुछ है। अभी मैं 1 घंटा बैठ के अब आई हूँ, अब नाश्ता पानी करके फिर जाऊंगी थोड़ी देर। अम्मा का अम्मा ऊपर आ जाओ आप थोड़े दिन। अम्मा नहीं बैठेगी चढ़ा तो सारे पोते देंगे गोद में उठा के। बंद उसमें दिल नहीं लगता, वो बचपन से खुले में रही है, उनको ओपन जगह चाहिए, आसमान देखने को चाहिए, बाहर सड़क पे आने जाने वाले चाहिए। पहले फ्रेंड्स अम्मा ऑन रोड सोती थी, खाट बिछा के सड़क पे खाट बिछाती थी, और अभी मैंने अम्मा को बोला, मैंने कहा अम्मा चलो आओ स्कूटी पे आपको घुमा लाऊं, कह रही है ना अभी आज ही तो मैं होके आई हूँ बाहर।